कोटा शहर की आबादी बढ़ी और आज कॉलोनिया वहां तक विकसित हो गई जहां कभी घने जंगल होने के साथ वन्य जीवों का बसेरा था। यही कारण है कि आज वन्य जीव रिहायशी इलाकों में दखल दे रहे हैं, जो वन विभाग और आम जन के लिए चिंता का सबक बनता जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। नए कोटा शहर में दहशत का पर्याय बनने वाले पैंथर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भोजन पानी की कमी और मानवीय दखल ने इसे रिहायशी इलाकों में आने को मजबूर कर दिया। शहरी सीमा की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए भविष्य में इस तरफ की घटनाओं के बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। वन विभाग के अधिकारी भी यही प्रमुख कारण मानकर इसमें सुधार को आवश्यक बता रहे हैं। देखिए, मुख्य रूप से यदि हम देखें तो जिस क्षेत्र में पैंथर या भालू की आप बात कर रहे हैं वो आ रहा है, वो अब से आप 30 साल पहले 40 साल पहले जाएंगे तो पूरा जंगल वाला एरिया ही था। तो ये एक इत्तफाक ही है कि वो यहाँ पर आ गया है। आज वहाँ पे रिहायशी एरिया हो गया है, मनुष्य वहाँ रहने लगा है। और इससे ये तो एक बहुत ही मैंने ब्रॉड सेंस में देखें तो ये बात कही है, लेकिन मेन कारण ये हो सकता है, एनिमल यदि कोई भी रिहायशी एरिया में आ रहा है, इट मीन्स कि उस जानवर को जंगल में प्रॉपर प्रे बेस नहीं मिल रहा है। एनिमल को या तो फूड चाहिए, पानी चाहिए या अपना मेटिंग पार्टनर चाहिए, और किसी चीज के लिए एनिमल कहीं जाता नहीं है। तीन चीजों के लिए मेनली वो रहता है। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर विलास राव का कहना है कि कोटा शहर के आसपास स्थित वन क्षेत्र में वन्य जीवों की संख्या में इजाफा हुआ है और यह भी एक कारण रिहायशी कॉलोनी में आने का हो सकता है। इसका मुख्य कारण मैंने ये देखा है, लेपर्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है डे बाय डे, इसीलिए लेपर्ड की मूवमेंट सिटीज़ की तरफ, ह्यूमन पॉपुलेशन की तरफ बढ़ती जा रही है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि उनको इजी टास्क के तौर पर, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन में डॉग्स है, डॉग्स को किल करना, डॉग्स इनके लिए एक आसान शिकार है, तो शायद ये भी कारण हो सकता है। ये तो एक रिसर्च का विषय है मुझे, लेकिन इस केस में ऐसा लगता है कि जो मैंने पहले की कहानी सुनी है कि पहले से मूवमेंट कर रहा था इस एरिया में, तो शायद ये डॉग पॉपुलेशन की वजह से, डॉग्स को कैच करने के हिसाब से उस बाउंड्री से आ रहा था। मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व, रामगढ़ टाइगर रिजर्व, जवाहर सेंचुरी से घिरा होने के कारण कोटा शहर में वन्य जीवों की आवाजाही पहले भी रही है। जंगल से सटे कोटा थर्मल नया गांव में भालू और पैंथर को कई बार देखे गए हैं। वह इसके लिए मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि वन्य जीवों और मानव के बीच हो रहे टकराव को टाला जा सके।